राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के एग्जाम्स के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जो कमेंट कर रहे थे कि सर ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होते हैं, हम ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे दे सकते, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है, इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन एग्जाम्स का चलन हुआ था कोरोना टाइम से, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि भाई कोरोना की वजह से सबकी सब सारी चीज़ें बंद थी, तो क्या हुआ था कि भाई आपका कि घर बैठो अपना ऑनलाइन जूम ऐप पे या फिर किसी और ऐप के ऊपर आप अपना एग्जाम्स दो वीडियो कॉल के थ्रू, और अपना भाई पीडीएफ जमा करवा दो या अपनी कॉपी है वो जमा करवा सकते हो। देन आपका क्या है कि आपकी कॉपी चेक करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ था कि भाई उसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, मतलब नकल वगैरह कर रहे थे, तो वो चीज़ वहीं पर रोक दी गई थी। लेकिन भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, जैसे कि अपने एमडीयू का डिस्टेंस डिपार्टमेंट में दो कोर्स चलते हैं, एक होता आपका ऑफलाइन मोड का, एक होता आपका ऑनलाइन मोड का। ऑनलाइन मोड का जो आपका प्रोसेस है वो किस किस के लिए है, जो आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर आपके फॉरेन में रहते स्टूडेंट, उनके लिए। वो क्या होता है कि उनको मान लो जो फॉरेन में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें एमडीयू में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, क्योंकि भाई इतनी टिकट करवा के आएंगे यहाँ वहाँ तो वो शेड्यूल नहीं बढ़ता। इस चक्कर में उनका क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिया जाता है। अदर स्टेट वाले बच्चे जो ऑनलाइन स्कीम के अंडर एडमिशन लेते हैं उनका भी आपका ऑनलाइन एग्जाम करवा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट हैं एमडीयू के या एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट के, वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं, तो भाई आपके लिए बता दूं कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन एग्जाम देने का, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है अगर वो आपका रेगुलर कोर्स से है, ठीक है। इसके बाद कोई बच्चा अगर भाई आपका एडमिट है, बीमार है, उसके लिए पहले ऑप्शन था कि ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है वो, लेकिन अभी पिछले साल से वो भी बंद कर दिया है भाई कि अगर आप एडमिट हो तो आप एग्जाम छोड़ सकते हो पर ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का था कि हम ऑनलाइन एग्जाम दे लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम का कोई ऑप्शन नहीं है भाई पहली चीज, ठीक है। सिर्फ आपका फॉरेन में जो यानी कि विदेश में बच्चे रहते हैं या फिर अदर स्टेट में जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है ये, ठीक है। सो आज की वीडियो में यही बताना था कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देने पड़ेंगे और वो आपके आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई और डाउट आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहती है। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।